मैं मास्टर सराफत हुसैन इस वक्त चक सजानी ये वो गांव है जो बिल्कुल हाईवे NH-74 से लगभग 400-450 मीटर हट के है, थोड़ा पास भी है, दूर नहीं है, और एक तरह से धामपुर का मोहल्ला कह दीजिए इस गांव को आप। ये गांव जो है धामपुर का मोहल्ला कह देंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। और यहां पर ये चौड़ी रोड है, ट्रैक्टर से आना जाना, तीन तीन गाड़ियाँ निकल जाओ, चार चार गाड़ी, चौड़ी रोड है, काली रोड है। और ये रोड जो है आपकी हाईवे NH-74 से और ये आगे चौराहा है, ये दोनों तरफ को चली गई है और 10-12 गांव इसमें जाके भी जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये यहाँ की मैं लोकेशन दिखाने का बताने का पर्पज़ जो है मेरा ये है कि यहाँ पर श्री शरद महेश्वरी जी का मकान है, ये इसमें एक दुकान भी बनी हुई है। भैया ये कहाँ कहाँ निकल गई रोड, ये रोड का कौन कौन से गांव में गई है, ये रोड कहाँ कहाँ गई गांव में आगे गांव में, अरे कौन कौन से गांव पड़ता है आगे आगे? शेखपुरा पड़ता है, शेखपुरा और मंडियो और नया गांव बगदान साहब, नंगली और लाडन नंगल, और कौन से हैं आगे इस रोड पे? मंधोरा। अच्छा, इधर मंधोरा निकल जाती है, मंधोरा होके फिर बाईपास पर जाती है। ये ऐसी जगह है जो धामपुर का भी चौराहा मोहल्ला कह दीजिए इसको। और यहाँ पर यह प्रॉपर्टी 157 वर्ग गज की ये है और इसका फ्रंट जो है 24 फिट का है, इसमें एक दुकान बनी है और ये गाड़ी खड़ी होने की भी जगह इन्होंने बनाई है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। गाड़ी खड़ी होने की जगह बहुत अच्छी बनाई है, बच्चों के पढ़ने लिखने के हिसाब से भी इन्होंने रास्ते हैं, बीच में बैठने के मेहमानों के लिहाज से बहुत अच्छा बना रखा है। और शायद इधर पूजा पाठ का मामला, हाँ गुड, मंदिर बना रखा है इन्होंने। और इधर ये बाथरूम है, ये बैठक भी है मेहमानों के, हल्के मेहमान आ गए, कोई एक कमरा है। और ये ऊपर जीना है, बंटी बनी है ऊपर है ना, हाँ। और हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे थे, ये कमरा ये यहाँ पर बना रखा है, बहुत अच्छा कमरा है। ये यहाँ पर रसोई बनाई है, बड़ी रसोई बना रहे हैं, बनी है, नया बनाया है अभी, इधर एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। और एक कमरा और ये इधर इन्होंने ठीक किया। बस इस मकान में अगर आप ढूंढेंगे तो एक चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें दरवाजे अंदर की साइड में, ये चूँकि हाई फाई आजकल का जो ज़माना है एल्युमिनियम का और उसके जो चल गया है उसके बनाने का रहा था, लेकिन इसी बीच में इनका बाहर जाने का मन हो चुका है, उस संबंध में उस वजह से जल्दी में ये बेच रहे हैं। जो कोई लेना चाहे भैया से नंबर पर कॉल करें, मैं नंबर बता रहा हूँ भैया का, 84-330-73-199, 84-330-73-199। और अरे बहन जी सुनियो, बाहर को आ जाओ, एक मिनट बात करनी है आपसे मुझे। ये इतनी बढ़िया है जगह, नया मकान बनाया, बड़े दरवाजे लगे, आगे दरवाजे लगे हैं, लेकिन वो जो आजकल हाईफाई सिस्टम चल गया है तो सोचे जो लेगा वो बनाएगा, आगे बना हुआ सब कुछ मजबूत बना हुआ है, नया लिंटर है, नया काम है, सारा कुछ हुआ। अरे भैया जी तो है नहीं सर महेश्वरी जी, तो आप तो इसको बेच रहे हैं ना? हाँ बेच रहे हैं। तो भैया से भी मैंने कॉल की थी, उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं है ना, तो आप बाहर जा रहे हैं ना इसलिए बेच रहे हैं। हाँ तो कुल मिला के ये आपके कौन हुए महेश्वरी? आपका बेटे हैं, हाँ उनकी माता जी है, और ये खुद मालिक यही है ना, जो मेरा पर्पज जो कहना था, यहाँ कोई बहुत भले आदमी है, बढ़िया आदमी है महेश्वरी जी, दुकानदार आदमी है, क्योंकि मन नहीं है यहाँ इनका, चूँकि शहर में दिल्ली में कहाँ जाना चाह रहे हैं, चले जाएंगे, लेकिन धामपुर तो धामपुर है भाई, 100 शहरों का एक शहर है, और धामपुर जैसे है कितना, 2-2.5 किलोमीटर को ले, और हाईवे जो है हमारा ये मुश्किल से बन रहा है 300-400 मीटर, और 5 मिनट का रास्ता नहीं पूरा, काली रोड है, 4-व्हीलर लाओ, ट्रक लाओ, बस लाओ, कुछ भी लाओ, और यह पूरी बस्ती हुई है यहाँ पर चारों तरफ।
कि बराबर में जूनियर हाई स्कूल वो है प्राइमरी स्कूल जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है उसकी बाउंड्री है ये। मैं मास्टर सराफत हुसैन 97-56-28-67-51। मेरा कहना है कि आप मुझसे बात करें या उनसे करें एक बात। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा एक चैनल है जो मैंने चला रखा है जो है सहारा प्रॉपर्टी 50 के नाम से, सहारा प्रॉपर्टी 50। आप यूट्यूब पर टाइप करके सर्च करें या आवाज़ से सर्च करें सहारा प्रॉपर्टी 50, चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत सारे आपकी जानकारी के लिए मैसेज पढ़े हैं, प्रॉपर्टी जानकारी पढ़ें, देखिए मज़ा लेंगे आप, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।